हेलो नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एम वी साइंस और वर्ल्ड पर। तो यहाँ पर हम करते हैं रसायन विज्ञान। हम स्टार्ट कर चुके हैं 11th की केमिस्ट्री रसायन विज्ञान हम शुरू कर चुके हैं। आज हम वैसे ऑफिशियल कह सकते हैं कि इसके एक क्लास वैसे पहले ले चुका हूँ, लेकिन कह सकते हैं कि वो कॉमन क्लास थी। आज ऑफिशियल हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। तो हम आज पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा। ये हमारे लेसन का नाम है, हमारे चैप्टर का नाम रहने वाला है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो बात है वो पदार्थ था, मैटर था, उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। पदार्थ की अवस्थाएँ देख ली थी हमने, भौतिक रासायनिक आधार पर उसके गुणधर्मों को देख लिया था, उसकी अवस्थाओं को हमने देख लिया था। अब बात करते हैं हम कि पहले बात करने जा रहे हैं हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। किसको पढ़ने वाले हैं हम? सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो पहले देख लीजिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है कि द्रव्यमान आपको बता चुका हूँ कि हर वह वस्तु जो कुछ स्थान घेरती है वह उसका कुछ द्रव्यमान होता है, वह पदार्थ कहलाता है। परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। तो कुछ स्थान घेर लिया, अब द्रव्यमान क्या होता है? जैसे कि अब मैं कहूँ आपको कि कोई वस्तु ले ली आपने, क्या ले ली? कोई वस्तु ले ली, तो उसका एक निश्चित मास होता है, एक निश्चित द्रव्यमान होता है। समझ रहे हैं? द्रव्यमान तो यही क्या है, किसी वस्तु का, किसी चीज़ का द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान उसका। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि भार, एक प्रकार से आप भार भी कह सकते हैं, या ऊर्जा कह सकते हैं, भार कह सकते हैं, एक प्रकार का भार है। हर वह वस्तु जिसका भार होता है वह पदार्थ कहलाती है। जैसे हवा है, हवा में भी कुछ भार तो होता है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, या इसे कहते हैं द्रव्य अनिविन्यासता का नियम। क्या कहते हैं? द्रव्य अविन्यासता का नियम। मतलब इसका विन्यास नहीं किया जा सकता, विनाश नहीं किया जा सकता, अंत नहीं किया जा सकता। लेवोशियर ने यह नियम है वो दिया था। किसने दिया था? लेवोशियर ने इस नियम को दिया था। और इसका परीक्षण है वो किसने किया था? वो लैंडोल्ट ने इसका परीक्षण किया था, जो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। जी हाँ, ना तो द्रव्यमान उत्पन्न हो सकते हैं, ना ही नष्ट हो सकता है। वो हमने रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना सीखा था, वहाँ पे मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, किसी भी रासायनिक भौतिक समीकरण में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ये हमने ऐसे जान लिया। अब देखिए, एक हमने जो क्लास 10th पढ़ी थी उसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा उसके अंदर पढ़ते हैं मैग्नीशियम की रिबन लेते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जला देते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला देते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का वहाँ पर निर्माण होता है। तो उसको हम क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। संतुलित करना आपको आता होगा अच्छे से। उस अभिक्रिया को हम क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने का यहाँ पर मतलब क्या हुआ? उसका जो द्रव्यमान है, जहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड या उत्पाद अभिकर्मक, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, दोनों का जो द्रव्यमान है वह क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का द्रव्यमान 2 है, ऑक्सीजन का भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम 2 है। तो ये क्या है? एक संतुलित किया गया है। इसको क्या किया गया? संतुलित किया गया है। द्रव्यमान मतलब हम कह सकते हैं कि ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना नष्ट कर सकते हैं, एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो एक और क्या बात कहती है, और कहे तो द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही विनाश या नष्ट किया जा सकता है। एक और बात में हम समझें तो ब्रह्मांड में कुल उपस्थित द्रव्य की कुल मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ब्रह्मांड में जो जितना द्रव्य है, जितना पदार्थ है, एक प्रकार से कह सकते हैं वह क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहती है, चाहे उसके वितरण में कुछ भी परिवर्तन हुआ हो। वितरण में परिवर्तन मतलब हमने एक बार और छोटा सा जो पानी का फॉर्मूला बनता है H2+O2 क्या होता है? H2O प्लस O2। यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं? जो जल बनता है हमारा, जल का निर्माण होता है, उसको देख रहे हैं। जल का निर्माण होता है H2 प्लस O2 H2O। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको संतुलित किया जाता है इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए, जो हमने क्या लिया था, कुछ मात्रा लेंगे द्रव्यमान है, अपरिवर्तित रहती है, परिवर्तित नहीं हो सकती, उसके वितरण में कुछ क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। वितरण में परिवर्तन किस प्रकार से? हाइड्रोजन के 2 मोल के लिए यहाँ पे 4 बनाने पड़े, तो वितरण में थोड़ा परिवर्तन तो हो गया, लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि वह समान रहता है। इस प्रकार से आप चाहे तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपने।
तो यहाँ पर मुझे ये उम्मीद है आपसे कि आपको ये जो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार अगर आसान भाषा में कहें तो यही होता है कि न तो द्रव्य को, द्रव्य मतलब क्या होता है, पदार्थ, मैटर, ये हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं अच्छे से, ना उसको उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, उसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, यह सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे वाला टॉपिक पर बढ़ते हैं। लिख लीजिए पहले इसको।